अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मेरा गला शदीद से भी शदीद दर्द कर रहा है इस टाइम। और मैंने सहरी भी नहीं की थी, यकीन माने मैंने सहरी में सिर्फ और सिर्फ केक खाया था, फ्रूट केक। वो भी पापा लेके आए थे दुकान से, जब उन्होंने देखा मैं कुछ भी नहीं खा रही, ना मैंने पराठा खाया, ना दही खाया, ना मैंने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि मुझसे खाया ही नहीं जा रहा था। मेरे गले में इतना दर्द हो रहा था, इस फ्लू ने तो मुझे आधा करके रख दिया। और ये फ्लू जो है ना, हमारे घर में लेके आया था मूसा जान, और इसके इतने गंदे जरासीम है ना, मतलब अल्लाह माफ करे, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब भी इसको होता है मुझे लाजमी होता है। और फिर मेरी मम्मा मुझे डांटती है, तुम उसको चूमने चाटने से तो बात आती नहीं हो, उसको छोड़ती तो हो नहीं हो, तो फिर तुम्हारे साथ यही होना है। अब मैं क्या करूँ, उसके मेरे साथ इतनी अटैचमेंट है कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती और वो मेरे बगैर नहीं रह सकता। तो गाइज, अब जैसे कि देख रहे हैं, चलो जी, सारे अपने परिंदे पंछी अपने घरों को जा रहे हैं, तो आप लोग भी अपने घरों में रवाना हो। और अफ्तारी का टाइम हो रहा है, अपने घर वालों के साथ बैठ के अफ्तारी वगैरह करें, तैयारियाँ शैरियाँ चल रही है अंदर भी। और मैं यहाँ पे बाहर आई थी चेक करने के लिए कि अजान तो नहीं हो रही, क्योंकि मुझे लगी हुई है तेज़ भूख। मैंने कहा शायद अंदर आवाज़ ना आ रही हो, बाहर आ रही हो, तो लेकिन बाहर भी कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो अब चलती हूँ मैं अंदर जाके देखती हूँ सब क्या कर रहे हैं। और बाकी टेबल वगैरह हम लोग सेट करते हैं, चीज़ें वगैरह रखते हैं। जैसे अजान होनी है मैंने तो टूट पड़ना है उस सबके ऊपर, क्योंकि मेरे पेट में इंतहा के चूहे नाच रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। चलो हम अंदर चलते हैं। हेलो गाइस, हाउ आर यू गाइस, आज मैंने पकोड़े बनाए हैं, आप जरूर देखिएगा। आई समझ, हाँ, इनके चैनल का नाम है मूसा की फैमिली। दो पूड बनाए हैं इकट्ठे। पूड़ इस मशीन के होते हैं, मेरे पकौड़ो के भी पूड़ होते हैं भाई। चलो हम अंदर जाते हैं। ये देखो जी, दुआ बीबी क्या कर रही है, भाभी का भी मुंह लटका हुआ है, रोजा लग रहा है। हाँ जी, सबके गले खराब है, मम्मा पापा यहाँ पे अपनी बातें कर रहे हैं। मम्मा, हाँ जी, लोग आप लोगों से कुछ सुनना चाह रहे हैं, उन्होंने इतने कमेंट्स कर दिए हैं। क्या सुनना चाह रहे हैं? आपको मैंने बताया नहीं था की सुनना चाहते हैं? लव स्टोरी। हाँ, किंदी लव स्टोरी? तुहाडे दोनों दी और किंदी? सोफे ते कल्ले कल्ले बैठ के खुसर बुसर कर रहे हो, जैन जी असि उतो दी आए हैं, चुप कर गए हो। अल्लाह माफ करे, मेरे पापा इन्हे हैंडसम ने, तुम कहा मेरे टांगों पे चिपक रही हो, वो उधर लगा हुआ है अपने पता नहीं किस गर्लफ्रेंड के साथ। चलो शाबाश करो काम। चलो जी गाइस, सालों के मुंह लटके हुए हैं, ठीक है, मुझे भी बड़ी तेज लगी हुई है भूख। टाइम नहीं मिल रहा। हाँ, थोड़ा टाइम मिलता है ना, फिर सुनावा के रमजान आ गया ना इस वजह तो। तो अब जल्दी से मैं लगा लूं टेबल, ठीक है, सेट वगैरह करके हम सारे बैठते हैं। और वैसे भी पांच दस मिनट रह गए हैं ना अजान होने में। नहीं है, ये तो 15-20 मिनट। चलो कोई नहीं, फिर भी हम लगा ले, थोड़ा हौसला तो होगा, आगे कुछ पड़ा होगा हमारे तो। A few moments later. ये देखें गाइस, माशाल्लाह काम हो रहे हैं, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। चलो जी, ये पकौड़े शकोड़े रेडी हैं, ये पकौड़े हैं, और ये फिर ये अली साहब ने जो फरमाइश की है बैंगन के पकौड़ों की। बैंगन के पकौड़े खाते हैं? हाँ जी होते हैं, और क्या होता है, ठीक है, बैंगन के कटलस। पालक का गया तो पता नहीं किधर दिया, नवी चीजा काट के लिया रहा, सानू भी टेस्ट कराता रहता। वैसे मेनू नहीं पसंद है सारा कुछ इना, मुझे बस दही भले मिल जाए, फ्रूट चाट मिले इनफ है। तो अभी ये हम लोग रख देते हैं। अच्छा, बनाया किन्ने किन्ने? 10 भाई, सारे ने नालो मिल के बनाया, अभी रोज है तुम्हारा। चलो हम लोग टेबल पे लगा दे इसको जल्दी से। A few moments later. ये जो फ्रूट चाट है ये मैंने और मेरे पापा ने मिलके काटा है ना पापा जी। हाँ जी, मैंने और मेरे मिया ने मिलके काटा है। छोड़ो, आप अकेले अकेले ही चलो। मैं अकेले हूँ, मैं हिना की हेल्प लेते हैं, हिना प्लीज आए आप भी चलो। ये मैं दही भले रखने लगी हूँ, ठीक है, ये शुक्र है हमारी दही आ गई है, भाई जल्दी ले आए, वरना हमें लगा था कि उसने आना अफ्तारी के बाद ही है। तो दही वगैरह मैंने मिक्स करके फिर दोबारा फ्रिज में रख दिया, अब हम लोग टेबल पे लगा देते हैं। आज संदल वाला पानी टर्न हो गया, कल मैं पूछ रहा था संदल, तो मेरे मियां ने कहा था कि संदल बनाना, आज संदल, आज सबके लिए संदल का शरबत। अच्छा, हां जी, उनको मैंने
ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਿਆ ਬਣਾਣਾ ਇਹ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ओके ओके चलो जी बहुत हैं बर्तन तो बर्तन भी पकड़ ली हैं ठीक है ताकि हमें दोबारा दरमियान में उठ के ना लाने पड़े क्योंकि इस टाइम जो जोरों की भूख लगी होती है ना वो ना काबिले बर्दाश्त होती है। बाकी तुसी सोच रहे होगे मैं जर्सी क्यों पाके खोती अपर छपर पाए हुए हैं मेनू हो गया बुखार ठीक है। वैसे भी यहाँ पे हुई है बारिश ठीक है और ठंडा ठंडा मौसम है बुखार की वजह से मेरी इंतहा की हालत खराब है। और फिर मैंने मुझे मम्मा ने भी डांटा मां कहती गर्म कपड़े पा तू कि कुड़िए मरना है। फिर मैं उठी मैं जाके अपना जेरा भी मैंने अपन नजर आया मैं पा के खड़ो गई हूँ तुम्हारे सामने और इन्हें थोड़ा थोड़ा मैंने सुकून मिल रहा है दुआ करना मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जावा और बोल बोल के मेरा गला बहुत खराब ना हो जाए जिन्ना मैं बोल चुकी हूँ शायद ही मैं इन्ना पूरी जिंदगी च भी ना बोलिया सच्ची गल दसा ते ओ दुआ कहाँ पे बैठ गई है वाह जी वाह वाह जी वाह अभी नहीं अभी अजान तो हो जाए Later. लो जी अली भाई भी आ गए हैं अली अली बाबा 40 चोर पापा क्या कह रहे हैं कौन ये चीज अली बाबा 40 चोर क्या वैसे सब कहते हैं इस इनको हमारे मोहल्ले में दोस्तियार अली अली बाबा कोई भी काम हो अली बाबा कहाँ पर है जी पापा को पूछो की कहते हैं जी तो गाइस जैसा कि आपको पता है मैं बहुत ही अच्छा बच्चा हूँ सब आराम कर रहे हैं और आपका भाई काम कर रहा है अभी शरबत वगैरह लेके जाना शरबत तुम मजे कितने पे है संदल पता बड़ा काम वाला पड़ा है ये देखें ये सारे आराम से बैठे हुए हैं जी मैं काम बस करन दिया मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ ये सिर्फ दिखा रहा है कि मैं घर के काम भी कर लेता हूँ ताकि कोई लड़की इससे इम्प्रेस हो जाए मैं नहीं करता नहीं वीडियो में कर दे आपने वीडियोस देखी तो हुई है मेरे काम करते हुए ये भाई भी बड़े अच्छे अच्छे काम करते कर लेते हैं करते हैं भाई काम आप बर्तन तो बर्तन वाली एक वीडियो बननी है सारी टिकटॉक पे अफगानी तो बात तो ही पता लगूगी पांडे चलो जी गाइस सारा कुछ टेबल पे हमने रख दिया है और बस टाइम देखे होने लगा है अफतारी का ये है संदल का शरबत ठीक है हमें तो पता ही नहीं था मैं उनको बता रही हूँ हाँ ये आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा था सारा दिन भूखे प्यासे हम रहते हैं ठीक है उसकी वजह से स्टमक बहुत से लोगों का डिस्टर्ब हो जाता है अच्छा एक तो एक स्पेशल चीज आ गई है कैमरे में क्या बड़ी स्पेशल चीज क्या पापा जी की जवानी की हाफ पिक्चर आई है अभी वो हाफ आई है फुल नहीं आई पापा ने खुद बड़े बड़े बाल रखे हुए एक दफा मैंने थोड़े से बड़े बाल रखे हैं तो जी पापा ने मेरी टिंड करवा दी थी वो पिक्चर तब दिखानी है जब हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब आपको वो पिक्चर हम जरूर दिखाएंगे माँ तो साड़ी मैं कहना कैटरीना कैफ सी स्मार्ट जी एवं नहीं सी अबू ने पसंद कर लिया कुछ भी नहीं दी मम्मा दे अगे मई तेरा किन्ना वजन सी जो अबू ने तेन पसंद किया केड़े गाने दिया पड़वा के दिंदा सी अब्बा रेस्टोरेंट में
नहीं रेस्टोरेंट में इंशाल्लाह करेंगे बहुत जल्द। A few moments later. चलो जी गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं अजान हो गई है, ठीक है, और सबने रोजा जो है अफ्तार कर लिया, खजूरें वगैरह खा ली है, ठीक है। अब मैं भी जल्दी से रोजा अफ्तार करूं, हम अपना जरा डाक, सारे कहते हैं डाकू बन के बह जाती है साढ़े बच्चे, ठीक है। तो आप लोग भी अफ्तारी करें, अपनी दुआ में हमें याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।